इंदौर शहर की ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत शनिवार को बोलिया छतरी से राजवाड़ा वॉक के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों को इंदौर की धरोहरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें कि शनिवार से शुरू हुआ यह फेस्टिवल आगामी 10 नवंबर तक चलेगा। इंदौर शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर यानी शनिवार को बोलिया छतरी से हुई। इस दौरान कृष्णपुरा छतरी के साथ राजवाड़े के इतिहास, उसकी वास्तुकला और निर्माण के पीछे के उद्देश्य की जानकारी दी गई। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बताया कि लोगों को अपने शहर के इतिहास और पुरातत्व महत्व की जानकारी होनी चाहिए, इसी उद्देश्य से सिटी वॉक फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। इंदौर के मिजाज, इंदौर की संस्कृति और इंदौर के इतिहास को जानने समझने का एक नज़रिया सिटी वॉक के माध्यम से मिले, ये एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की परिप्रेक्ष्य में ये आज से शुरू हुआ है और 10 नवंबर तक चलता रहेगा। हर शनिवार रविवार को ये सिटी वॉक जो है होता रहेगा, जिसमें कि इंदौर की ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक चीज़ों के साथ साथ खान पान और जो संस्कृति के दूसरे विभिन्न पहलू है, जिसके माध्यम से कि इंदौर शहर बन गया या इंदौर शहर का मिजाज किस तरह से बना है, ये इसको देखा जाएगा। इंदौर दरअसल एक सांस्कृतिक नगरी रही है, जहाँ पर कि संस्कृति के विभिन्न विधाओं को, विभिन्न चीज़ों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है और आगे बढ़ा है। उस नज़रिए से इंदौर को देखने के लिए ये एक कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो, ताकि उन्हें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में समग्र जानकारी दी जा सके। और हम यहाँ रहते हुए भी नहीं समझ पाए चीज़ों को, देखते थे कि छतरियाँ हैं लेकिन उनका इतिहास नहीं मालूम, किसकी है, किसने बनाई, कब बनाई, और इतनी खूबसूरत हैं, इतना पास से भी कभी नहीं देखा हमने, बस आते जाते देखा कि हाँ कभी रुकेंगे कभी देखेंगे, पर इस बार में हमको देखने मिला इतना फाइन स्ट्रक्चर बनाया है, इतना दिनों से वो इतना अच्छे से मजबूती से खड़ा है और उसमें कितनी सुंदर मूर्तिकला है या कितने सुंदर स्कल्पचर किया है, एक एक चीज़ मतलब है कि जिसमें हम गर्व कर सकें। और हम शर्मिंदा भी हैं कि अभी तक हमको नहीं मालूम था, लेकिन मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट का शुक्रिया और शर्वानी मैडम और आप सब लोगों के सहयोग से हमको ये सब ज्ञात हो रहा है, तो बहुत खुशी है। आप कहेंगे इंदौर वासियों से कि बिल्कुल बिल्कुल इंदौर वासियों से भी कहूँगी और भी जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, कम से कम वो तो सब आके देखें ही कि हमारी क्या विरासत है और उसका कितना महत्व है और कितनी कहना चाहिए गौरवशाली है, तो ये सबको ही देखना चाहिए और इंदौर के तो हर सबको आना ही चाहिए और पता होना ही चाहिए।